ये मेनली तीन तो भी हाइड्रोकार्बन हमको समझना बहुत अच्छे से जरूरी है। इनके नॉमेनक्लेचर, इनका डेफिनेशन या फिर इनका प्रिपरेशन मेथड, ये सब समझना बहुत जरूरी है। क्यों मिस्टर रोहित, ये समझना जरूरी है कि नहीं जरूरी है? तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो अल्किन के बारे में हमको आज पढ़ना है। तो अल्किन यानी क्या होता है? तो सबसे पहली बात तो आपको बता दूं, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आता है। किसके अंदर में आता है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है कि जिसके अंदर में कहीं ना कहीं एक तो भी मोर देन सिंगल बॉन्ड होगा, चाहे वो डबल बॉन्ड हो सकता है या ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। ये अनसैचुरेटेड की डेफिनेशन है। लेकिन अनसैचुरेट में भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ऐसी दो कंडीशंस है, उसमें से अपने को आज जो डिस्कस करना है वो फर्स्ट कंडीशन को डिस्कस करना है कि जो कंडीशन है डबल बॉन्ड वाली। कौन सी कंडीशन? डबल बॉन्ड। तो आज जितने भी हमारे हाइड्रोकार्बन होंगे जिनके बारे में भी आज हम लोग पढ़ने वाले, वो डबल बॉन्ड से कहीं ना कहीं क्या रखते हैं? रिलेशन रखते हैं। तो ऐसा एक हाइड्रोकार्बन, ऐसा एक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, नॉट ओनली एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन बट ऑल्सो अनसैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। कैसा? एक ऐसा अनसैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कि जिसके अंदर में एक तो भी, एटलीस्ट वन तो भी क्या होगा? कार्बन कार्बन क्या होगा? डबल बॉन्ड होगा। उसको हम क्या बोलेंगे? अल्किन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? देखो एक बार फिर से बता रहा मैं, यहाँ पर फिर से देखो कि मैंने क्या बोला। अल्किन्स आर क्या बोला मैं? अल्किन्स आर एलिफेटिक, क्या बोलोगे? एलिफेटिक अनसैचुरेटेड, क्या बोल रहा मैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, क्या बोलोगे? हाइड्रोकार्बन विच, क्या बोलोगे? विच हैव एटलीस्ट, क्या बोल रहा मैं? एटलीस्ट वन, क्या बोलोगे? एटलीस्ट वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, क्या बोलोगे? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड का मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होगा? डबल बॉन्ड। तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? क्या बोलेंगे? अल्किन्स बोलेंगे। अब गाइस इसके अंदर में अपने को ध्यान रखना है कि ये ऑयल प्रिपरेशन के लिए बहुत क्या होते हैं? बेनिफिशियल होते हैं। और इसको इसीलिए दीज आर कॉल्ड, क्या बोलोगे? दीज आर आल्सो कॉल्ड, क्या बोलोगे? आल्सो कॉल्ड एज ऑयलफिन्स, क्या बोलते हैं इसको? ऑयलफिन्स। नीट के ऊपर इसके ऊपर मैं क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों को, इसका अनदर नेम आपको पूछा जा सकता है। तो एमसीक्यूज में भी आपको बोर्ड के अंदर भी इसका क्वेश्चन आ सकता है। तो अल्किन्स यानी क्या होता है कि अल्किन्स क्या होता है? अल्किन्स मतलब अल्किन्स का अनदर नेम अपन क्या बोल सकते हैं? अल्किन्स बोल सकते हैं। हो सके तो इसको अंडरलाइन करके रख दो क्योंकि आगे आपको बहुत काम में आने वाला है। अब दूसरी तरफ अगर देखिए तो इनका जो जनरल फार्मूला होता है, द जनरल फार्मूला, क्या बोलोगे? द जनरल फार्मूला, जनरल फार्मूला ऑफ, क्या बोलोगे? जनरल फार्मूला ऑफ अल्किन्स, क्या बोलोगे? अल्किन्स इज, क्या बोलोगे? क्या होगा? CN, क्या होगा? H2N होगा। वेयर, यहाँ यन का मतलब क्या होता है? वेयर यन इज इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ क्या होता है? कार्बन एटम्स होता है। ऐसा बिल्कुल सिंपल सिंपल इसका क्या कॉन्सेप्ट है। तो गाइस इस पे से हम लोग जैसे अल्केन के हमने क्या निकाले थे? पेरेंट निकाले थे। उसी प्रकार से हम इसके भी क्या निकाल सकते? पेरेंट निकाल सकते। और ध्यान रखना कहीं ना कहीं तो भी एक जगह अपने को क्या सेट करना है? डबल बॉन्ड सेट करना है कहीं ना कहीं। अगर एक डबल बॉन्ड हो तो अल्कडाइन, अगर एक डबल बॉन्ड हो तो अल्किन, दो डबल बॉन्ड अगर आ गए तो अल्कडाइन, अगर तीन डबल बॉन्ड आ गए तो अल्कट्राइन। इफ अगर देखो ध्यान दो मैंने क्या बोला, इफ क्या बोलोगे? इफ इन द चैन, क्या बोलोगे? चैन हैव मोर देन, क्या बोलोगे? मोर देन वन कार्बन एटम, वन डबल बॉन्ड, सॉरी मोर देन वन डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, देन क्या बोलोगे? देन इट नेम्ड एज, क्या बोलोगे? इट नेम्ड एज, क्या बोलोगे? नेम्ड एज अल्कडाइन, अल्कट्राइन्स, क्या बोलोगे? अल्कडाइन्स, क्या बोलोगे? अल्कडाइन्स, अल्कट्राइन्स, अल्कट्राइन्स, क्या बोलोगे? अल्कट्राइन्स, अल्कट्राइन्स, इस प्रकार से अल्कट्राइन्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, चलते चलते जाएगा। समझे बात आ रही है? अगर मान के चलो कि मैं यहाँ नंबर ऑफ डबल बॉन्ड बोल दिया, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और उसके साथ में अगर मैं इसका नेम अगर बोलूँ तो कैसे लिखना है नेम? अगर एक है तो सिंपल बात है अल्किन है, एक है तो क्या है? अल्किन है। अगर दो है तो उसको अल्कडाइन बोलेंगे, क्या बोलेंगे? अल्कडाइन।
समझ में बात आ रही है, अल्कट्राइन्स बोलेंगे उसको। अगर वहां पर तीन है तो अल्कट्राइन्स बोलेंगे, अल्कट्राइन्स बोलेंगे। अगर मान के चलो कि चार है तो अल्कटेट्राइन्स बोलेंगे, अल्कटेट्राइन्स, टेट्राइन्स, एक्सेट्रा। ऐसे चलते 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 रहेगा। तो मतलब अपने को ध्यान रखना है कि उसके अंदर में कितने क्या है, डबल बॉन्ड है। तो मतलब यही एक क्लासिफिकेशन का एक तरीका होता है डबल बॉन्ड के ऊपर से, कि हम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड से उसको क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। और भी कुछ तरीका है कि जिसको क्लासिफिकेशन का हम लोग सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल में क्लासिफिकेशन करेंगे, लेकिन उसके लिए ये फिर से एक बार देख लो मैं क्या बता रहा हूँ। कि सबसे पहली चीज अल्किन्स वो बोला कि जिसका जिसके अंदर में एक ऐसा एक एलिफेटिक अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है कि जिसके अंदर में एक तो भी क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए। दूसरी बात इनको ऑल्किन्स बोलते हैं। तीसरी बात इसका जनरल फार्मूला CnH2n होता है, इससे हम लोग इसके क्या निकालेंगे, पैरेंट निकालेंगे। और मैंने पैरेंट कैसे निकालते हैं ये अल्केन में बता चुका, तो अल्केन में पैरेंट निकालना बता चुका, तो यहाँ पर उसके पैरेंट कैसे निकालना मैं अभी नहीं बताऊंगा। समझ में आ रहा मैंने क्या बोला, उसके लिए आपको अल्केन का वीडियो फिर से एक बार देख लेना है कि हमने कैसे पैरेंट निकाले हैं, जो मैंने अपलोड कर चुका है इससे पहले। तो उसके बाद में इसके अंदर में अगर एक से ज्यादा अगर डबल बॉन्ड है तो थोड़ा सा नेम चेंज होता है। एक से ज्यादा होता है तो अल्कटाइन्स, अल्कट्राइन्स। एक होगा तो नॉर्मल अल्किन, दो होगा तो अल्कटाइन, तीन होगा तो अल्कट्राइन्स, और चार होगा तो अल्कटेट्राइन्स। ऐसा बिल्कुल सिंपल सा इसका क्या है कॉन्सेप्ट है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब आपको इसके बाद में इसका थोड़ा सा क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके मेनली दो कैटेगरी में इसको क्लासिफाई किया गया। अगर मैं बात करूँ तो सिमेट्रिकल अल्किन और दूसरा कौन सा, सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल में फर्क क्या है, ये थोड़ा सा हमको क्या समझना पड़ेगा। अनसिमेट्रिकल बोलेंगे, असिमेट्रिकल नहीं बोलेंगे हम लोग, अनसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। तो गाइस क्लासिफिकेशन ऑफ मैं क्या बता रहा हूँ, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्किन, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्किन, इसके देर आर टू कैटेगरीज इसको डिवाइड किया गया। एक जो कैटेगरी है वो है सिमेट्रिकल अल्किन, क्या बोलेंगे हम, सिमेट्रिकल अल्किन, और दूसरा है अनसिमेट्रिकल अल्किन, क्या बोलेंगे, अनसिमेट्रिकल अल्किन, अल्किन। अब इनमें फर्क क्या है पहले समझ लेते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल। तो सिमेट्रिकल अल्किन के जो डबल बॉन्ड के दोनों साइड में होंगे, अगर सिमिलर एटम अटैच है डबल बॉन्ड डायरेक्टली, अगर मान के चलो कि ये डबल बॉन्ड वाला है, इसके इस तरफ भी मान के चलो कि ये सी एच हो गया और ये भी क्या हो गया सी एच, ये अल्किन कैसी है, सिमेट्रिकल है। समझ में आती है, इधर में सी एच टू भी हो सकता है, सी एच टू भी हो सकता है, ठीक है, ये सिमेट्रिकल है। अब मैंने बोल दिया सी एच थ्री सी एच टू सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू सी एच टू सी एच थ्री, ये भी सिमेट्रिकल है क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड के दोनों साइड में सिमिलर ग्रुप ऑफ एटम है। इनसे मुझे लेन देन नहीं, इधर कितने हैं, इनसे मुझे कोई लेन देन नहीं है, मुझे लेन देन है डबल बॉन्ड से बाउंडेड वाले ग्रुप के पास। इधर भी सी एच है, इधर भी क्या है सी एच है, मतलब ये अल्किन कैसी है, सिमेट्रिकल है। लेकिन अगर डिफरेंट हो गए, जैसे मैंने सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू कर दिया, ये अनसिमेट्रिकल है। ये कैसी है, अनसिमेट्रिकल, क्योंकि देखो डबल बॉन्ड से अटैच में इधर में सी एच का ग्रुप है, इधर में सी एच टू है। समझ में बात आ रही, मतलब ये अल्किन कैसी होगी, अनसिमेट्रिकल होगी। समझ में बात आ रही, मतलब डबल बॉन्ड से डायरेक्टली अटैच वाले ग्रुप ऑफ एटम्स अगर सिमिलर होगी तो सिमेट्रिकल, अगर डिफरेंट होगी तो अनसिमेट्रिकल। समझ में बात आ रही क्या। तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, सिमेट्रिकल अल्किन के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग सिमेट्रिकल अल्किन के बारे में पढ़ेंगे। तो सिमेट्रिकल अल्किन, सिमेट्रिकल में डबल एम आएगा, सिमेट्रिकल अल्किन। तो सिमेट्रिकल अल्किन में देख लो, तो द अल्किन्स, क्या बोलोगे, द अल्किन्स, क्या बोलोगे, द अल्किन्स इन विच, क्या बोलोगे, इन विच बोथ साइड्स ऑफ डबल बॉन्ड, बोथ साइड्स, क्या बोलोगे, साइड्स ऑफ डबल बॉन्ड, क्या बोलोगे, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड अटैच्ड, क्या बोलोगे, अटैच्ड सिमिलर ग्रुप ऑफ एटम, क्या बोलोगे, सिमिलर ग्रुप ऑफ एटम, सिमिलर ग्रुप ऑफ एटम्स, क्या बोलोगे, एटम्स, then it is called as, then it is known as, क्या बोलोगे, then it is known as क्या, symmetrical अल्किन, क्या बोलेंगे उसको, symmetrical अल्किन बोलेंगे। मतलब अपने को ध्यान रखना है कि डबल बॉन्ड से दोनों साइड में एटम्स क्या होने चाहिए, सिमिलर अटैच होने चाहिए। जैसे एग्जांपल में अगर मैं बात कर रहा हूँ, एग्जांपल में बात कर रहा हूँ तो देखो कैसे, तो ये सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू, मैं एच टू को इधर भी लिख सकता हूँ इस साइड में भी, क्योंकि डायरेक्ट बॉन्डिंग किसकी होती है, कार्बन कार्बन की, डायरेक्ट बॉन्डिंग किसकी होती है, कार्बन कार्बन की।
आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। सी एच टू डबल बॉन्ड क्या लिख सकते हो, सी एच टू। तो ये इथिलीन होता है, क्या होता है, इथिलीन बाद में, तो आप इसको इथिन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इथिन। इथिन एक सिमेट्रिकल है, क्यों सिमेट्रिकल है, क्योंकि हमारा मूड हुआ करके सिमेट्रिकल है, राइट। क्योंकि स्टेट डबल बॉन्ड के दोनों साइड में ग्रुप ऑफ एटम क्या है, सेम है। दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं लेता हूं तो ये देखो सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी एच थ्री, ये भी कैसी है, सिमेट्रिकल है। इसको क्या बोलते हैं, वन टू थ्री फोर ब्यूटुइन, क्या बनेंगे, ब्यूटुइन। सारी बात है, ये भी अल्किन कैसी है, सिमेट्रिकल है। ब्यूटुइन क्यों, आपको बताऊंगा नॉमेनक्लेचर के अंदर।